हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं जी, यीशु मसीह ने सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, जूतों के बीच में पिता ने सभी को शाम दिखाई, सुबह दिखाई, पिता ने सभी को जिंदा रखा, जीवित रखा, सुंदर शाम दिखाई, रात दिखाई है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे, ठीक है। वो इतना महान परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर, इतना करुणानिधि परमेश्वर, राजाओं का राजा है। वो इतना महान परमेश्वर है, करुणानिधि सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हम सभी को दिन दिखाता है, शाम दिखाता है, पापों से मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नर्क जा। मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ये नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि दुष्ट मनुष्य अपना बुरा काम छोड़कर धर्म और न्याय के काम करे, यीशु मसीह ने कहा है, तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्रियजनों, हम सभी को दुष्ट को जो गलत चाल चल रहा है उसको बताना है, यीशु मसीह के बारे में वचन सुनाना है, ताकि वो अपना मन फिरा के प्रभु के पास लौट आए, ठीक है, अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा है, मेरा लहू बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मेरे प्रियजनों, जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुई, मेरे प्रियजनों, तो आप सबको, हम सबको पिता यीशु मसीह से बताना, घुटने टेके बैठ जाएंगे और यीशु मसीह से बताना है, ठीक है। यदि आप दुख में हैं मेरे प्रियजनों, या तकलीफ में हैं, यदि आप समस्याओं में ग्रस्त हैं, यदि आप नहीं चंगे हो पा रहे हैं, ठीक है, यदि आपके जीवन में शैतान कार्य करता है, दुष्ट कार्य करता है, यदि आपके घरों में लड़ाई झगड़ा व्याप्त है, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको यहोवा जुलाहर से बताने की आवश्यकता है। वो सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा है, आद्योरांत है, ठीक है। उसको यीशु मसीह को सिर्फ आदेश देना है और वैसा ही हो जाएगा। आपकी जो यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगी वह तेरे लिए हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने कहा है, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। यदि आपके जीवन में शैतानी बंधन है, दुष्ट के बंधन है, रुकावट के बंधन है, शैतान की ओर से बंधन है, गंदी बदरी चालू दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज यीशु मसीह के नाम से अपने मुँह से आदेश देंगे, अंगीकार करेंगे, वे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, वे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, अपने मुँह से अंगीकार करिए यीशु मसीह के नाम से, अपने जीवन में आदेश देना, वे बंधन यीशु मसीह के नाम से 100% गारंटी के साथ टूट जाएंगे, कट जाएंगे, आउट हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा कांपते थरथराती है। मेरे प्रियजनों, उनकी औकात यीशु मसीह के सामने खड़े रहने की, टिके रहने की, ठीक है। जब आकाश पृथ्वी चांद सितारे थरथराते हैं, काले पड़ जाते हैं यहोवा परमेश्वर के सामने, तो उस दुष्ट की क्या औकात है जो आपको पाप में गिरा सके, बीमारी में डाल सके। मेरे प्रियजनों, ठीक है, मेरे प्रियजन, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यदि आप गरीब हैं, लाचार हैं, कमाने लिए नहीं है, पैसों की घटी आपके जीवन में, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको सर्वशक्तिमान यहोवा जुलाहर से बताने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे दुखों को, बीमारियों को जीव का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, पहले तो मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, मुफ्त में, इनाम में, गिफ्ट में परमेश्वर दे देगा, ठीक है। वो इतना महान करुणानिधि सामर्थ्य परमेश्वर है, कौन सभी से इतना प्रेम किया, उसने कूड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना गया, हाथों पर में किले ठोकी गई, उसको कूड़े लगवा गए, सिरका पिलाया गया, मेरे प्रियजन के मुँह पर थूका गया। क्यों? क्योंकि हमारे कारण, हमारे पापों के कारण, इन मानव जाति के पापों के कारण पिता ने हमारा पापों का बोझ, बीमारियों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, कलोरी क्रूस पे चढ़ गया, बलिदान हो गया, और मेरे प्रियजन, वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह वह सीढ़ी है, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। मेरे प्रियजन, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा अद्योरंत है, मेरे प्रियजनों, ठीक है, जो आपने पिता सभी को मेरे प्रभु अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, पिता इस संसार से चुनका यीशु पापा आपने अलग कर दिया है, आपने ज्योति में कर दिया, पिता अंधकार से चुनकर पिता आपने उजियाला में कर दिया यीशु पिता, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यश हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र प्रजाओं की राजा है आप, प्रभु के प्रभु हैं आप, सेनाओं के आप सृष्टि करता मालिक है मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, कुड़िया पाजों को शुद्ध किया, मेरे पिता आप यहोवा जुलाहर है, पिता आपने महान आश्चर्य काम किए हैं। मेरे पिता, आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई पाए गए जगत में। मेरे पिता, मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, खास दौर से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, परमेश्वर पिता, मेरे पिता, जो मसीह भाई बहन पिता बीमार पड़े हैं, पिता जो हॉस्पिटल में बीमार है, पिता एडमिट है, मेरे पिता परमेश्वर पिता, आपके नाम से मेरे प्रभु वे चंगे होने पाए, वे हील होने पाए, वे फ्री हो जाए। हालेलुया,
प्रभु आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते। यीशु पापा मेरे पिता, परमेश्वर पिता, मेरे पिता किसी के पास, मेरे पिता मेरे प्रभु किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे प्रभु कोई अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सके। मेरे पिता मेरे प्रभु मेरे पिता जो शक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु पापा पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता आपके नाम से। पिता ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हील हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट वाले यीशु के नाम से, होली गोस्ट वाले यीशु मसीह के नाम से रसीब करो चंगाई, अमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम से रसीब करो चंगाई यीशु मसीह के नाम से, अमीन बोलकर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टि कर्ता मालिक हैं। मेरे पिता मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता उन भाई बहनों के लिए, मेरे पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए। मेरे पिता होने दे मेरे स्वामी, हम चाहते हैं पिता जो गरीब है, पिता जो लाचार है, पिता जो कमाने लिए नहीं है मेरे स्वामी, मेरे पिता के हाथ आप कमाने लिए बनाइए मेरे स्वामी। मेरे पिता जो गरीब है, पिता जो उधार ले रहे हैं इधर उधर 100-200 रुपये पर, पिता परमेश्वर पिता आपके नाम से पिता इधर उधर उधार ना ले पाए पिता मेरे प्रभु, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे स्वामी आपके नाम से। पिता मेरे पिता इनकी समस्याओं को दूर करे, पिता इनकी गरीबी को दूर करे, पिता इनके आंसू को पोष चले मेरे स्वामी। मेरे पिता आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, आपने अपने वचन के माध्यम से कहा है प्रभु, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते, आपके नाम से ढूंढते, खड़खड़ाते मेरे पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर आशीष से उंडेल दीजिए पिता, बंद आशीष से खुल जाए, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए के घरों के ऊपर आशीष से उंडेल दीजिए प्रभु आपके नाम से। अपने सामर्थ्य के द्वारा पिता के जीवन में मेरे पिता आप कार्य करें मेरे पिता, यश हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि मेरे पिता। जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे प्रभु पाप गलती गुना हुए हैं मेरे पिता, माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता। मेरे प्रभु हम पापी मनुष्य पिता, हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप हो सकते हैं पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है मेरे पिता, उससे पाप गलती गुना हो सकते हैं प्रभु। मेरे पिता आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता, आपने कहा ऐसा वचन के माध्यम से मेरे पिता। मेरे प्रभु आप अपने लहू से शुद्ध करें मेरे पिता, आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता, अधर्मों को ढांप सकते हैं पिता, गुनाहों को ढांप सकते हैं पिता। पिता अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे स्वामी। मेरे प्रभु आप क्षमा के योग्य हैं, आप ही के पास क्षमा का अधिकार है पिता कि आप ही हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं पिता। मेरे प्रभु आप ही को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है मेरे मालिक, आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप ही हम सभी को स्वर्ग दे सकते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर पिता जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, जो लड़ाई झगड़े नहीं बंद होते मेरे स्वामी, हम चाहते हैं इनके जीवन में आदेश देते हैं यीशु नासिर के नाम से पिता, वो लड़ाई झगड़ा इनके घर से बंद हो जाए पिता। जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, जो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा है मेरे स्वामी आपके नाम से पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट पर यीशु मसीह के नाम से, होली गोस्ट पर यीशु मसीह के नाम से पिता। जिन घरों में शैतान पिता कार्य करता, शैतान का बाड़ा बंधा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर पिता, जिन मसीह भवनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं पिता, शैतान ने कार्य करता पिता, तरह तरह के काम करवाता है पिता, लड़ाई झगड़ा डालता है मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता, वो शैतान निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टि कर्ता मालिक हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे पिता उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे स्वामी मेरे पिता, मेरे प्रभु क्या दिक्कतें क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम से मेरे प्रभु हम नहीं जानते पिता, हम मानो जाते हैं प्रभु, हृदय मन को जांचने का अधिकार है यीशु पिता आपको दिया गया है मेरे पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार से मेरे पिता आपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में मेरे प्रभु, उसी तरह से पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए पिता, जिन बहनों को संतान नहीं मेरे पिता परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपकी स्तुति है करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरे प्रभु आपने कहा है वही मैं करूंगा। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से ढूंढते खटखटाते मेरे पिता परमेश्वर पिता, इनकी पुकार को सुन लीजिए पिता, इनकी गुहार को सुन लीजिए मेरे स्वामी। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता, मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं फिर विश्वास के साथ सुन रहे पिता, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता। मेरे प्रभु उनके लिए पिता जिनकी शादियाँ नहीं होती पिता, जो शादियों को टूट चुके बिखर चुके पिता, रो रहे हैं बिलख रहे हैं चिल्ला रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो टेंशन डिप्रेशन में चले गए मेरे पिता, आपके नाम से पिता आपके वचन के अनुसार पिता उनकी शादियों का रिश्ता आने पाए पिता, उनकी शादियाँ हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। मेरे प्रभु ये उदरता झाक में ना लगे रहने पाए पिता, शैतान इन्हें नर्क में ना ले जाने पाए पिता, शैतान तो नाश करने पे लगा हुआ पिता, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है पिता। आपका वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जनलेशन के समान सी खोज भी रहता है किसको फाड़ खाए मेरे पिता, वह ढूंढता रहता है पिता किसको फाड़ नोच खाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आप इनका जीवन बदल दीजिए पिता, आप इनका जीवन संभालिए मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जो रात में नहीं सो पाते, जिनको डर लगता भय लगता गंदे सपने आते ख्याल विचार आते पिता, मेरे प्रभु आपके नाम से आदेश देते प्रभु जब ये लेटे मेरे पिता तब ने सुख की नींद आने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। मेरे प्रभु आपने वचन में कहा है, इस वचन के द्वारा पिता हर एक जन की सहायता करें पिता, मुझे आशा है विश्वास है मेरे पिता आपने प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते पिता है। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।